कोशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में। आज का मुद्दा है यहाँ पर मायावती को लेकर। अगर देखा जाए 2024 के चुनाव बहुत नजदीक है। लगातार अखिलेश यादव एक एक दिन को गिनते हुए नजर आ रहे हैं, कभी 400 दिन, कभी 398 दिन। और इस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जब 400 दिन पूरे हो जाएंगे तो सरकार हमारी बनेगी। लेकिन यहाँ पर अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा तो इसलिए ही शुरू की गई थी ताकि लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल हो सके और यहाँ पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते नजर आए। लेकिन अब इस बीच एक और बड़ी पार्टी है बसपा, जिसका एक समय पर काफी बोलबाला था, एक समय पर काफी तूती बोला करती थी उस पार्टी की। लेकिन आज यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आता है बसपा का। लेकिन अब एक बार फिर से मायावती एक अलग ही टशन में नजर आ रही है, एक अलग ही तरीके से बात करती नजर आ रही है कि 2024 के चुनाव उन्हें जीतने हैं, प्रधानमंत्री बनने तक के सपने देखती नजर आ रही है यहाँ पर बहन जी मायावती। और ये बात यहाँ पर उनके समर्थक लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लायक सिर्फ और सिर्फ मायावती ही है। लेकिन ये तो देखना होगा आने वाले वक्त में कि ये सच होता है या फिर सिर्फ जुमलेबाजी ही कहलाती है। लेकिन शुरुआत करते इस प्रोग्राम की कुछ ऐसी बातें यहाँ सामने आई हैं जो मायावती 2024 से पहले रखती हुई नजर आई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और अन्य विपक्षी दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां अब सोशल मीडिया पर भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई है। इसी क्रम में बसपा ने भी सोशल मीडिया पर अपना विस्तार शुरू कर दिया है। बसपा अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव होती नजर आई है। हालांकि ट्विटर और यूट्यूब के बाद ये भी बसपा का सार्वजनिक मंच कहलाएगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सोशल मीडिया काफी ज्यादा ट्रेंड में हमेशा रहती है, यानी कि अगर कुछ भी नया खोजना हो या कुछ भी नया करना हो तो सोशल मीडिया हमेशा नजर आता है। अगर देखा जाए तो लोग आजकल के जमाने में इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा यूज करते नजर आते हैं, आजकल के जमाने में यूट्यूब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लोग खुद के लिए यूज करते हैं कि किस तरीके से पैसा कमाया जाए, इन्फॉर्मेशन कैसे दूसरे तक पहुंचाया जाए। तो उसी चीज का फायदा, और फायदा नहीं बल्कि यहाँ पर कह लीजिए कि एक मिशन तैयार हो गया है यहाँ पर बसपा की तरफ से कि यहाँ पर अपनी कुछ वीडियोस डालते हैं, कुछ ऐसे मैसेज डालते हैं जो जनता तक सीधे पहुंचे और उसके बाद हमें 2024 में अच्छा खासा फायदा हो, ताकि लोग ये समझ पाए कि मायावती ने क्या किया और वो आने वाले समय में क्या कुछ कर सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में तैयार कर रही है बसपा ने अब सोशल मीडिया के लिए भी खास रणनीति बना ली है। सूत्रों का दावा है कि पार्टी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अब पार्टी के आधिकारिक पेज को वेरीफाई कराने की तैयारियां पूरी तरीके से शुरू करती नजर आ रही है। पार्टी की इस नई पहल को मिशन युवा शक्ति से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे पहले बसपा ने हर स्तर पर युवाओं के 50% भागीदारी का फैसला किया, लेकिन अब पार्टी ने सोशल मीडिया पर मौजूदगी को मजबूत करने के लिए मुहिम आगे बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक बसपा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं दिख रही थी, लेकिन अब सोशल मीडिया को लेकर बसपा पूरी तरीके से अलग ही रणनीति बनाने में लगी हुई है और पार्टी अब सोशल मीडिया को भी धार और रफ्तार देने में लगी हुई है। इसके लिए पार्टी ने ट्विटर और यूट्यूब के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम का बेस तैयार किया। इसको दिसंबर 2022 से तैयारी की जा रही है इसमें अगर देखा जाए, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरीके से उसको वेरीफाई करा लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर अपनी तैयारी शुरू करती नजर आएगी बहन जी मायावती। हमने काफी तरीके के सवाल आप लोगों से किए कि आखिरकार देखा जाए क्या मायावती एक अच्छी मुख्यमंत्री उस समय पर बन सकती थी, तो आप लोगों ने अपनी राय दी कि मायावती अच्छी मुख्यमंत्री थी और वो आने वाले समय में बन सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारी मांग यह है कि मायावती देश को संभाले, वो प्रधानमंत्री बने, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की तरफ ही रुख किया जाए तो एक समय था जब मुख्यमंत्री थी मायावती और उसके बाद यहाँ पर उनकी सरकार कुछ ऐसे गायब हो गई कि उत्तर प्रदेश में आना मुश्किल हो गया। अब इसी बात को लेकर उनके समर्थक ही कहते नजर आए कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी और सरकार को मौका नहीं मिल पा रहा। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की जाती तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने ये कहा तो मैनपुरी भी हम लोग जीत लेते, लेकिन मैनपुरी तो हम हार गए क्योंकि यहाँ पर लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को दी थी नेताजी के निधन के बाद। इस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बसपा ने जो तैयार अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम किया उसको वेरीफाई कराने की लगातार प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा सोचा जा रहा है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए अखिलेश यादव, क्योंकि सपा में देखा जाए तो एक ही बात हो रही है कि शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी कब और कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। महीना बीत चुका है यहाँ पर चुनाव हुए, महीने से ज्यादा का समय शिवपाल को नहीं पूछा जाएगा तो उनके बेटे आदित्य को कब तक पूछा जाएगा, ये सवाल यहाँ पर कहीं ना कहीं सपा में बने हुए हैं।
अब इनके माध्यम से सभी कार्यक्रमों और बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा बसपा की तरफ से अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। अब विधायक उमाशंकर सिंह ने ये कहा कि युवा गांव गांव में मोबाइल से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने दूसरों को देखकर खुद को भी तैयार की कोशिश की है। हम अपनी बात जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और वो पहुंचेगी भी। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपने पुराने वोट बैंक को जोड़ने की लगातार कोशिश करती नजर आ रही है और इसके लिए वे खास प्लान के तहत काम कर रही हैं। मायावती की इस रणनीति से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान हो सकता है, बात साफ तौर पे कही जा रही है। और वही भारतीय जनता पार्टी की अगली विधान यहाँ पर लोकसभा चुनाव सीधा इसका फायदा कराती नजर आएगी और पार्टी एक बार फिर से झंडा गाड़ती नजर आएगी। यानी कि कहीं ना कहीं कयास कुछ ये भी लगाए जा रहे हैं कि मायावती कुछ ऐसा खेला करेगी कि इससे अखिलेश यादव को नुकसान होगा, सपा को नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पर भाजपा का फायदा होता नजर आएगा। ऐसा तो नहीं कि 2024 के चुनावों से पहले मायावती कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले और मायावती यहाँ पर प्रधानमंत्री का सपना छोड़कर ये सोचे कि सत्ता में वापसी कैसे करनी है, खुद को मजबूत कैसे करना है और अगर बीजेपी का दामन थामना पड़े तो भी थाम लिया जाएगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। अब वहीं पर बसपा प्रमुख मायावती एक बार फिर दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को साधने में जुट गई है। मायावती ने दलित और मुस्लिम समाज को एकजुट होने की अपील भी की और कहा कि दलित, आदिवासियों, पिछड़े और यहाँ पर मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जातिवादी व्यवस्था के शिकार लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कानूनी अधिकार दिलाए हैं। इन लोगों को भाईचारा पैदा कर केंद्र और राजनीति की सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लेनी होगी। अब मायावती अगर दलित, पिछड़े और मुसलमान और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने में कामयाब होती है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि मायावती ने समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समाज पर फोकस किया है। अगर मुस्लिम वोटर्स मायावती के पक्ष में जाते तो भले ही बसपा की जीत ना हो लेकिन इसका सीधा नुकसान सपा को होता नजर आएगा क्योंकि पहले भी एक नेता यानी कि इमरान मसूद और उसके बाद अब शफीकुर रहमान अपनी बातों से पूरी तरीके से ये दिखाते नजर आए हैं कि वो कभी भी सपा का साथ छोड़ के बसपा में जा सकता है और इससे पश्चिमी यूपी में पूरी तरीके से फायदा मायावती को होता नजर आएगा। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस कदम का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, ये बात साफ तौर पे कही जा रही है क्योंकि इससे समाजवादी पार्टी का वोट कट सकता है। आजमगढ़ उपचुनाव में ऐसा देखने को मिल भी चुका है। इस दौरान बीएसपी उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 2.66 लाख वोट मिले थे जबकि सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 3.4 लाख वोट मिले थे। वह चुनाव में जीत हासिल करने वाले बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ ने 3.12 लाख वोट हासिल किए थे। वही पिछले महीने मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बसपा के नहीं होने से सपा को अच्छा खासा फायदा हुआ था। जब बसपा नहीं थी तो सपा को फायदा हुआ, लेकिन अब बसपा होगी तो सपा को नुकसान होगा। अगर देखा जाए यहाँ पर तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि बसपा एक बार फिर से उसी ताकत के साथ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब मायावती प्रधानमंत्री बनेगी नहीं बनेगी ये अलग बात है, लेकिन सवाल मेरा आप लोगों से है कि क्या बसपा एक बार फिर से खुद को मजबूत कर पाएगी, क्या उसी तरीके से एक बार खुद सत्ता में वापस आ पाएगी कि उन्हें किसी के साथ भी गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।